हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डेटोनेटर्स और उसके टाइप्स के बारे में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया है, आप प्लीज़ उसे जाकर के देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेन डेटोनेटर और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स के बारे में। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रिटर्न नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट www.theminingworld.com पर जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब और देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेन डेटोनेटर क्या होता है। प्लेन डेटोनेटर एक एल्युमिनियम ट्यूब होती है जिसका डायमीटर 6 mm होता है और जिसकी लेंथ 32 mm से 50 mm के बीच वेरी करता है और इसका एक एंड क्लोज होता है। ये ट्यूब दो टाइप के एक्सप्लोसिव से भरा हुआ होता है जिसे हम बेस चार्ज और प्राइम चार्ज कहते हैं। बेस चार्ज में PETN मतलब पेंटा इलेक्ट्रोथोल टेट्रानाइट्रेट होता है, वैसे ही प्राइम चार्ज में ASA कंपोजिशन होता है। और ये ASA कंपोजिशन एक मिक्सचर है लीड एजाइड, लीड स्टिफनेट और स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर का। और इस ट्यूब का 1/3 पोर्शन ASA और PETN से फिल्ड रहता है। प्लेन डेटोनेटर में PETN का बेस चार्ज ट्यूब के बॉटम में होता है और उसके ऊपर ASA का प्राइम चार्ज होता है और ट्यूब के ऊपर का जो पोर्शन है वो सॉडस्ट से भरा हुआ होता है। जब हमें इस डेटोनेटर को यूज़ करना होगा तब हमें सेफ्टी फ्यूज इंसर्ट करने से पहले इस सॉडस्ट को टैपिंग करके बाहर निकाल देना होता है। उसके बाद डेटोनेटर में सेफ्टी फ्यूज इंसर्ट किया जाता है और ट्यूब का टॉप पोर्शन को क्रिम्प कर दिया जाता है और ये सेफ्टी फ्यूज चार्ज होल से मिनिमम 1.2 मीटर बाहर होना ज़रूरी है। जब हम इस सेफ्टी फ्यूज को इग्नाइट करेंगे तब ये ASA के प्राइमिंग कंपोजिशन को एक्सप्लोड करेगा और ये प्राइमिंग कंपोजिशन PETN के बेस चार्ज को एक्सप्लोड करने के लिए इनिशिएट करेगा। प्लेन डेटोनेटर्स नॉन इलेक्ट्रिक टाइप के डेटोनेटर होते हैं और उनका अंडरग्राउंड माइन में यूज़ करने पे मनाही है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स दो टाइप के होते हैं। पहला है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जिसे हम इंस्टेंटेनियस डेटोनेटर भी कहते हैं और दूसरा है डिले डेटोनेटर। और ये इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स या तो लो टेंशन डेटोनेटर हो सकते हैं या फिर हाई टेंशन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स हो सकते हैं। बात करें इंस्टेंटेनियस डेटोनेटर्स की तो ये लो टेंशन या फिर हाई टेंशन हो सकते हैं, लेकिन अपीयरेंस और कंपोजिशन के बेसिस पर देखा जाए तो डिले डेटोनेटर्स लो टेंशन डेटोनेटर्स ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के बारे में जानते हैं। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर एक कॉपर या एल्यूमिनियम ट्यूब होती है जिसका डायमीटर 6 mm होता है और लेंथ 32 से 52 mm के बीच वेरी करता है और इस ट्यूब की थिकनेस 0.3 mm की होती है और ये एक एंड से क्लोज होती है। ट्यूब के बॉटम में PETN का बेस चार्ज होता है और जो एक डेटोनेटिंग मीडियम की तरह एक्ट करता है और इस बेस चार्ज के ऊपर ASA का प्राइम चार्ज होता है। ये डेटोनेटर नंबर 6 और नंबर 8 के रूप में मैन्युफैक्चर होते हैं जिसमें नंबर 6 डेटोनेटर्स में 0.25 ग्राम PETN होता है और 0.35 ग्राम ASA मिक्सचर होता है। वैसे ही नंबर 8 डेटोनेटर्स में नंबर 6 डेटोनेटर्स के मुकाबले 25% ज़्यादा चार्ज होता है।
लेकिन इंडिया में आईडीएल कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड होने वाले 6 नंबर के डेटोनेटर में 0.30 ग्राम पीईटीएन होता है और नंबर 8 डेटोनेटर्स में 0.60 ग्राम पीईटीएन होता है। और इन डेटोनेटर्स की लीडिंग वायर की लेंथ 2, 3 या फिर 4 मीटर लंबी होती है। इस डेटोनेटर का माउथ नियोप्रिन प्लग से सील्ड होता है, जो एक वाटर सीलिंग सिंथेटिक रबर होता है और जिसकी इनफ्लेमेबिलिटी काफ़ी कम होती है। और ये नियोप्रिन प्लग कॉपर या टिन कोटेड आयरन के 2 लीडिंग वायर कैरी करता है, जिसकी लेंथ 1.8 मीटर या उससे ज़्यादा होती है। इस लीडिंग वायर्स का एक एंड डेटोनेटर के अंदर प्रेजेंट फ्यूज हेड से कनेक्टेड रहता है। ये फ्यूज हेड इन्फ्लेमेबल फ्लैशिंग मिक्सचर कंटेन करता है और ये प्राइम चार्ज के ऊपर होता है। जब हम लीडिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तब ये करंट फ्लैशिंग मिक्सचर को फ्लैश करता है और ये फ्लैशिंग मिक्सचर प्राइम चार्ज को इग्नाइट करता है, जिससे डेटोनेशन इम्पल्सेस काफ़ी बढ़ जाती है और शैटरिंग इफेक्ट जनरेट होता है। और ये शैटरिंग इफेक्ट हाई एक्सप्लोसिव को डेटोनेट करने के लिए इनिशिएट करता है। इस तरह हाई एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड हो। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में यूज़ होने वाले फ्लैशिंग मिक्सचर के कंपोजिशन और इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिस पर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है लो टेंशन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और दूसरा है हाई टेंशन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। जबकि इन दोनों टाइप में बेस चार्ज और प्राइमिंग चार्ज सेम ही होता है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लो टेंशन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को डिस्कस करते हैं। लो टेंशन डेटोनेटर के फ्यूज हेड में 2 अनइक्वल लेंथ के ब्रास फॉइल होते हैं, जिसे एक हार्ड बोल्ट के हेल्प से सेपरेट किया जाता है। इस ब्रास फॉइल का एक एंड लीडिंग वायर से सोल्डर किया हुआ होता है और दूसरा एंड एक थीन निकेल क्रोमियम वायर ब्रिज से कनेक्टेड रहता है। ये निकेल क्रोमियम ब्रिज एक एडहेसिव फ्लैशिंग मिक्सचर में डीप किया जाता है। ये एडहेसिव या फ्लैशिंग मिक्सचर लीड, मोनोनाइट्रो रिसोर्सिनॉल, चारकोल और कोलोडियन कॉटन से बना हुआ होता है। ब्रास फॉइल और निकेल क्रोमियम ब्रिज को मिक्सचर में डिप करने से फ्लैशिंग मिक्सचर ब्रास फॉइल और ब्रिज में चिपक कर एक ग्लोबुल सा फॉर्म कर देगा। इस सर्किट और लीडिंग वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम से कम का होता है और हमें इसे डेटोनेट और ब्लास्टिंग करने के लिए 0.5 एम्पियर के करंट की ज़रूरत होती है। इस फायरिंग सर्किट और ब्लास्टिंग केबल का टोटल रेजिस्टेंस अप्रॉक्स 7 ओम का होता है और हमें ब्लास्टिंग के लिए 3.5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। इस डेटोनेटर को डेटोनेट करने के लिए जो एक्सप्लोडर यूज़ किया जाता है, उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो 5 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर सके। इस डेटोनेटर के साथ हम सीरीज कनेक्शन करते हुए नंबर ऑफ होल्स एक साथ में ब्लास्ट कर सकते हैं। और ये लो टेंशन डेटोनेटर सर्किट डिले डेटोनेटर में भी यूज़ किया जाता है। अब हम हाई टेंशन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को डिस्कस करेंगे। हाई टेंशन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में भी 2 ब्रास फॉइल होते हैं, लेकिन वह इक्वल लेंथ के होते हैं और इन दोनों ब्रास फॉइल को हार्ड बोर्ड के हेल्प से सेपरेट किया जाता है। इस ब्रास फॉइल का एक एंड लीडिंग वायर से शोल्डर किया हुआ होता है और दूसरा एंड ओपन होता है। इन ब्रास फॉइल का जो ओपन एंड है, उसे फ्लैशिंग मिक्सचर में डीप किया जाता है, लेकिन हाई टेंशन डेटोनेटर में फ्लैशिंग मिक्सचर लो टेंशन डेटोनेटर से अलग होता है। इस केस में फ्लैशिंग मिक्सचर में लीड, मोनोनाइट्रो रिसोर्सिनॉल, पोटेशियम क्लोरेट, चारकोल, नाइट्रोसेलुलस, ग्रेफाइट पाउडर और कॉपर एसेटिलाइड होता है। इस फ्लैशिंग मिक्सचर में प्रेजेंट ग्रेफाइट पाउडर ब्रास फॉइल के ओपन एंड के बीच में एक सेमी कंडक्टिंग मीडियम या एक केमिकल ब्रिज की तरह एक्ट करता है। इस हाई टेंशन डेटोनेटर का इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि 1500 ओम से
30,000 ओम के बीच वेरी करता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल भी नहीं होता है। और इसमें शॉर्ट फायरिंग केबल का रेजिस्टेंस डेटोनेटर सर्किट के रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल रहता है और ब्लास्टिंग केबल के रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाता है। हाई टेंशन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को एक्सप्लोड करने के लिए 50 वोल्टेज पर 0.025 एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है। इस हाई टेंशन डेटोनेटर का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से सर्किट कंटिन्यूटी टेस्टिंग नहीं किया जाता है। जब हम ये सारे डेटोनेटर्स का सीरीज कनेक्शन वोल्टेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ब्लास्टिंग केबल में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक प्लेन डेटोनेटर और ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रिटर्न नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.theminingworld.com पर विजिट करके आप रिटर्न नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट कीजिए। हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए माइनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए।